नमस्ते दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल आप कैसे भर सकते हो और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भर के आप अपने सोसाइटी के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बिल भर के आप एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो। आपको कुछ पता है कि आजकल कोरोना का माहौल चल रहा है और इस माहौल में आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने जाओगे, आपको एक डेढ़ घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इसलिए आप अपने घर से ही मोबाइल से ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी बिल भर सकते हो। तो दोस्तों चलिए, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक करना जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो आप हमें सबसे पहले जाना है अमेज़न ऐप पे। अगर आपने ये ऐप अमेज़न ऐप में आपको जाना है, अमेज़न ऐप ओपन हो चुका है। अभी इसमें पहला ऑप्शन जो भी है देखिए नीचे अमेज़न पे का ये ऑप्शन है ब्लैक कलर में। ये अमेज़न ऐप पे पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखिए यहाँ पे सेकंड रो में मोबाइल चार्ज बिल्स एंड ट्रैवल्स, ये इसमें से आपको बिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे बिल के ऑप्शन पर क्लिक करोगे आप इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें होगा मोबाइल चार्ज डिटेल्स और इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी पे हमें जाना है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको आपका देखिए पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट स्टेट। आपका जो भी राज्य होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मेरा है गुजरात तो मैं गुजरात सेलेक्ट कर लेता हूँ। दूसरा ऑप्शन आता है सेलेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड टू प्रोसीड। आपका जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका जो लाइट बिल होगा, लाइट बिल के ऊपर आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का नाम लिखा होगा तो वो डाल दीजिए, वो सर्च कीजिए। जैसे कि मेरा है दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, तो उस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट ऑप्शन होगा अपना कंज्यूमर नंबर, मतलब ग्राहक नंबर। ग्राहक नंबर होगा लाइट बिल के लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर पे आपको ग्राहक नंबर 11 डिजिट का ग्राहक नंबर होगा वो आपको डालना है। मैं अपना ग्राहक नंबर डाल देता हूँ, जैसे 17902031605। ये मैंने अपना ग्राहक नंबर डाल दिया है और यहाँ पे हमारी जो भी अमाउंट है वो अमाउंट हमें डालनी है। जैसे मैंने ये 5000 अमाउंट डाल दी और कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के आपको ऑप्शन आएगा स्वाइप टू पे। अगर आपका कार्ड अटैच होगा तो स्वाइप टू पे कीजिए, या तो फिर यहाँ पे नीचे लिखा है चेंज पेमेंट मेथड, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन ओपन होंगे। जैसे अमेज़न पे से भी आप उसका जो बैलेंस होगा उसके थ्रू भी कर सकते, कोटक महिंद्रा डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते, क्रेडिट कार्ड थ्रू भी कर सकते, या तो फिर आपका डेबिट कार्ड ऐड नहीं होगा तो आपका यहाँ से ऐड भी कर सकते हो और आपके एटीएम कार्ड से भी आप इसमें पेमेंट कर सकते हो। जैसे मेरा ये एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड में मैं अभी ऐड करके आपको दिखाता हूँ कैसे ऐड करना है। तो मेरा अपना अकाउंट ये एटीएम कार्ड का अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूँ। आपका एक्सपायरी मंथ जो भी होगा, एक्सपायरी साल जो भी होगा वो डालना है। फिर एटीएम कार्ड के पीछे आपका जो सीवी नंबर होगा वो आपको डालना है, मैंने डाल दिया है। और यहाँ पे आपको क्लिक ऐड योर कार्ड करना है। आपको आपका कार्ड ऐड हो जाएगा। ऐड योर कार्ड करने के बाद उसके बाद प्लेस ऑर्डर एंड प्ले पे आपको क्लिक करना है। जो भी आपका सीवी कोड होगा वो आपको डाल देना है और प्लेस ऑर्डर एंड पे करना है। जैसे आप ये करोगे तो आपका नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, प्रोसेस ले रहा है। फिर आपको अमेज़न से एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको यहाँ पे अप्रूव कर लेना है। जैसे ये डिटेक्ट हो गया ये ओटीपी और ये आपको अप्रूव कर देना है। जैसे आप अप्रूव करोगे ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। जब तक ट्रांजेक्शन पूरा प्रोसेस नहीं होता है दोस्तों, तब तक आप बैक बटन प्लीज़ प्रेस मत कीजिए। और दोस्तों अगर कोई कहता है कि आप लाइट बिल भर दीजिए, आपको कोई कॉल आता है तो उसके थ्रू आप जरूर बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ये आप अपने हिसाब से। तो एक्चुअली मेरा ऑलरेडी भर चुका हूँ और मैंने जानबूझ के 5000 में डाले। ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने ये किया, ये प्रोसेस किया हुआ है। 5000 मेरा लाइट बिल है नहीं,
तो दोस्तों आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हीरो ड्राइवर में पेमेंट बोल रहा है क्योंकि मेरे इसमें ज़्यादा इतना पेमेंट है नहीं। ठीक है दोस्तों, ये तरीका आपको पता चल गया। इस तरीके से आप अपना लाइफ उठा सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत